to slow up. No, I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. तो कहानी शुरू होती है और हम गांव नाम के एक स्ट्रीट शेफ को देखते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी खाना बनाता है। उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है जहां पर वो रोज नई नई तरह की डिशेस बनाता है। वो अपने रेस्टोरेंट में बहुत ही ज्यादा साफ सफाई रखता है और उसे अपने इस प्रोफेशन से बहुत ज्यादा प्यार है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी गांव अपने बचपन के बारे में सोचकर हमेशा दुखी हो जाता है, क्योंकि जब वो छोटा था तो वो नूडल्स नहीं बना पाता था। उसके फादर भी एक रेस्टोरेंट चलाते थे और वो अपने बेटे की नाकामयाबी से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने गांव को एक स्ट्रीट शेफ के पास छोड़ दिया ताकि वो उनसे खाना बनाना सीख सके। अब क्योंकि गांव ने अपना बचपन अपने फादर के बिना गुजारा था, इसलिए वो उनसे बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। दूसरी तरफ अब उसके फादर भी एक मास्टर शेफ बन चुके हैं और अब वो बहुत ही ज्यादा रिच हैं। साथ ही उन्हें इस बात की खुशी भी है कि उनका कोई भी बेटा नहीं है, और यहाँ पर गांव को इसी बात का सबसे ज्यादा दुख है कि वो उसे अपना बेटा मानना ही नहीं चाहते। तभी सीन यही शिफ्ट होता है और हम एक और शेफ को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा अमीर और हैंडसम है और फ्रांस में रॉयल फैमिलीज के लिए खाना बनाता है। इस लड़के का नाम पॉल है और इसका बस एक ही सपना है कि वो अपने देश चाइना जाकर अपने फादर के लिए एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोले। और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो फ्रांस में एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट को ठुकरा कर अपने देश चाइना वापस आ जाता है। वहां आकर वो एक फिश सेलर के पास जाता है और उससे एक बड़ी फिश मांगता है, लेकिन फिश सेलर उसे मना कर देता है कि मेरे पास बड़ी फिश खत्म हो चुकी है। लेकिन तभी वहाँ पर गांव आता है और उस सेलर से बड़ी फिश मांगता है, तो वो सेलर उसे बड़ी मछली निकाल कर दे देता है। अभी देखकर पॉल को गुस्सा आ जाता है कि उसके साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है, जिसके बाद वो गुस्से से गांव को घूरने लगता है। लेकिन तभी वो फिश सेलर इन दोनों को एक दूसरे को घूरते हुए देखकर उस फिश के दो टुकड़े कर देता है, लेकिन इसके बाद भी वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूरते रहते हैं। इसके बाद हमें पॉल का एक बहुत ही आलीशान रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जिसकी ओपनिंग आज ही होने वाली थी। इस रेस्टोरेंट की सभी डिशेस मॉडर्न थी और बहुत ज्यादा महंगी थी। इसके अलावा ये रेस्टोरेंट गांव के रेस्टोरेंट के जस्ट सामने खुला था, जिस वजह से गांव के फ्रेंड्स डर जाते हैं कि पॉल का रेस्टोरेंट इनके सारे कस्टमर छीन लेगा। और ऐसा होता भी है, क्योंकि वो दिखने में इतना ज्यादा आलीशान था कि सभी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, और साथ ही गांव के कस्टमर भी उसी रेस्टोरेंट में जा रहे थे। लेकिन तभी गांव के फ्रेंड्स उसको सपोर्ट करने के लिए कस्टमर को एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट ऑफर करते हैं, जिसको सुनकर सभी कस्टमर्स वापस गांव के रेस्टोरेंट में आने लग जाते हैं। अब इसी के चलते पॉल और गांव के दोस्तों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है, और फिर कुछ देर के बाद दोनों साइड के लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि दोनों शेफ के बीच में एक कॉम्पिटिशन होगा और जिसका भी खाना सबसे टेस्टी बनेगा वो ये कॉम्पिटिशन जीत जाएगा। अब कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है और एक टेबल के ऊपर एक बड़ी सी मछली रख दी जाती है। सबसे पहले पॉल को चांस दिया जाता है और वो एक बहुत ही यूनिक तरीके से उस फिश के सारे कांटे उसमें से निकाल देता है। अब इसके बाद गांव की बारी आती है और गांव उस फिश के टुकड़े इस तरह से करता है कि वो उस फिश के मांस को उसकी स्किन से पूरी तरह अलग कर देता है। अब इन दोनों का ही टैलेंट लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। उसी दौरान वहां पर एक कुकिंग कंपटीशन का चेयरमैन होता है जो उनकी कुकिंग स्टाइल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उन्हें इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। अब दोनों को ही एक दूसरे को बताना था कि कौन ज्यादा बेटर है, इसलिए वो दोनों ही कंपटीशन के लिए हाँ कर देते हैं। इसके बाद जब पॉल का इंटरव्यू लिया जाता है तो वो बताता है कि मैंने फ्रांस में भी कुकिंग की है और वहाँ पर कुकिंग काफी मॉडर्न तरीके से की जाती है, लेकिन जब मैंने यहाँ पर आकर देखा और यहाँ पर कुछ लोग अभी भी पुराने तरीके से कुकिंग कर रहे हैं। दरअसल यहाँ पर पॉल इनडायरेक्टली गांव को ताना मार रहा होता है। ये चीज गांव भी टीवी पर देख रहा होता है और उसे ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर पॉल की एक फ्रेंड मायो आती है और वो गांव और उसकी फ्रेंड को पॉल के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए इनवाइट करती है। इसके बाद वो दोनों पॉल के रेस्टोरेंट में जाते हैं ये देखने के लिए कि ये खाना भी अच्छा बनाता है या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करता है। तभी उनके सामने खाना सर्व किया जाता है जो दिखने में बहुत ही सिंपल था, लेकिन जब वो उसे टेस्ट करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी और डिफरेंट होता है। इसके बाद गांव गुस्से में उस खाने को लेकर किचन में चला जाता है और पॉल के सामने उस खाने को फेंकते हुए कहता है कि सिर्फ अच्छा दिखने से ही कुछ नहीं होता, खाने में टेस्ट भी होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई होने लगती है और फिर पॉल उसे कहता है कि चलो मांस पकाने का एक कॉम्पिटिशन करते हैं, जिसके बाद वो दोनों उस किचन में मांस पकाना शुरू कर देते हैं। अब गांव उस मांस को बहुत अच्छे से पकाता है और उसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तभी पॉल उसे कहता है कि अब मैं इसी मांस को तुमसे कम टाइम में पकाकर दिखाता हूँ और इसका टेस्ट भी सेम ही होगा। इसके बाद वो अपनी मॉडर्न टेक्निक यूज करके उस मांस को गांव से जल्दी पका देता है और फिर जब दोनों को टेस्ट किया जाता है तो दोनों का टेस्ट सेम ही होता है।
अब ये देखकर गाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब वो अपने रेस्टोरेंट में वापस आता है तो वहाँ पर उसको उसके मास्टर का फोन आता है जो उसे कहते हैं कि तुम्हारे फादर तुमसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद गाओ वहाँ पर उनसे मिलने आता है और उनसे कहता है कि अब आपको मुझसे क्या काम, आपने मुझे क्यों बुलाया, आप तो सबके सामने मुझे अपना बेटा तक मानने के लिए तैयार नहीं हो। इस पर गाओ के डैड उसे कहते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि कोई तुम्हें मेरे नाम से जाने, और अगर ऐसा होता तो तुम कभी भी इस कंपटीशन में नहीं आ पाते। साथ ही वो उसे ये भी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस कंपटीशन को जीत जाओ। पर इस पर गाओ उन्हें गुस्से में कहता है कि मुझे आपके सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन इंटरनेशनल कुकिंग कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है जहाँ पर उन दोनों को एक स्वीट डिश बनाने का टास्क दिया जाता है। अब यहाँ पर पॉल अपनी मॉडर्न टेक्निक यूज करके डिश को बहुत ही सुंदर और टेस्टी बना लेता है, वो भी टाइम से पहले। वही गाओ अपने टाइम का पूरा इस्तेमाल करते हुए एक ट्रेडिशनल चाइनीज डिश बनाता है जो कि दिखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। इसके बाद जब वहाँ पर बैठे जजेस उन दोनों डिश को टेस्ट करते हैं तो वो उन दोनों को सेम पॉइंट्स देते हैं, मतलब दोनों की डिशेस ही टेस्ट में बराबर थी। लेकिन अब उन दोनों में से किसी एक को ही जीतना था, इसलिए एक जज स्टेज पर आकर सबको बताने लगता है कि दोनों की डिश बहुत ज्यादा टेस्टी थी, लेकिन पॉल ने अपनी डिश को बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया हुआ था और उसका टाइम मैनेजमेंट भी गाओ से अच्छा था, इसलिए इस कंपटीशन का विनर पॉल होता है। अब ये देखकर गाओ बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और वो वहाँ से अपने घर ना जाकर सीधा वीडियो गेम्स खेलने चला जाता है और कुछ दिन ऐसे ही बिताता है। फिर एक दिन वहाँ पर उसके मास्टर आते हैं जिनके साथ गाओ ने अपना पूरा बचपन बिताया था। फिर वो उसे समझाने लगते हैं कि सिर्फ एक कॉम्पिटिशन हारने की वजह से इंसान सब कुछ नहीं हार जाता, तुम्हें ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब गाओ मास्टर की बात मान लेता है और वहाँ से सीधा अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं जो कि कंपटीशन जीतने की खुशी में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका एक दोस्त उसे कहता है कि क्या तुम अपनी दोस्त मायो को उस कंपटीशन में अपने साथ नहीं ले जा सकते, जिस पर पॉल उसे बताता है कि वो सिर्फ मेरी असिस्टेंट है और उसे तो खाना बनाना भी नहीं आता, इसी वजह से मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। तभी वहाँ पर पॉल की फ्रेंड मायो दो कप में सूप लेकर आती है और उससे कहती है कि जरा इन दोनों को टेस्ट करके बताओ कि किसमें नमक है और किसमें नहीं। अब ये सुनने के बाद पॉल घबरा जाता है और यहाँ पर हम व्यूवर्स को एक सच पता चलता है कि पॉल के टेस्ट बड्स काम नहीं कर रहे हैं, मतलब वो किसी भी डिश को टेस्ट करके बता नहीं सकता कि उसका स्वाद कैसा है। अब ये चीज अभी तक तो उसकी एक सीक्रेट थी, लेकिन वो इस बात को लेकर पॉल को ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर ये बात बाहर किसी को पता चल गई तो तुम्हारे शेफ का करियर पूरा बर्बाद हो जाएगा। साथ ही हमें यहाँ पर एक बात और पता चलती है कि मायो अब पॉल के दोस्त की गर्लफ्रेंड बन गई है और ये सब मिलकर पॉल के इस रेस्टोरेंट को हथियाना चाहते हैं ताकि वो उसको बेचकर अपनी पूरी जिंदगी ऐश कर सकें। अब ये सुनने के बाद पॉल पूरी तरह टूट जाता है और उन लोगों को बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो ये सब सोचकर बाहर बैठकर शराब पी रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर गाओ आता है और उसे पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो, तुम तो कंपटीशन जीत चुके हो। तभी पॉल उसे बताता है कि मैं ये कंपटीशन तो जीत चुका हूँ, लेकिन मैं अपना बहुत कुछ इस कंपटीशन की वजह से हार भी चुका हूँ। इसके बाद वो गाओ को बताता है कि इस पोस्टर पर जो आदमी है वो मेरे आइडल है और एक दिन मैं इनके जैसा ही बनना चाहता हूँ। अभी सुनकर गाओ मुस्कुराता हुआ पॉल को बताता है कि ये आदमी मेरे डैड है और इन्होंने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था क्योंकि मैं इनके प्रोफेशन को अपना नहीं पा रहा था। अभी सुनकर पॉल उसे कहता है कि अब जो हो गया हम उसका क्या ही कर सकते हैं। पर तभी गाओ के खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पॉल को कहता है कि हम इस बियर की बोतल को उनके पोस्टर पर मार सकते हैं, जिसके बाद ये दोनों एक एक करके उस बोतल को गाओ के डैड के पोस्टर पर मारने लगते हैं। अब ऐसा करके इन दोनों को बहुत ही अच्छा महसूस होता है और यहाँ से इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद पॉल गाओ को अपने साथ अपने रेस्टोरेंट में लेकर आता है जहाँ पर पॉल के दोस्त उसके रेस्टोरेंट का सौदा कर रहे होते हैं। पॉल उनसे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर पॉल का एक दोस्त उसे कहता है कि अब तुम कुकिंग कॉम्पिटिशन में किसको लेकर जाओगे क्योंकि तुम्हारा तो कोई पार्टनर ही नहीं है। इस पर पॉल उसे बताता है कि मैं गाओ को अपने साथ लेके जाऊंगा क्योंकि वो डिजर्विंग है। अभी सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर पॉल गाओ को मॉडर्न टेक्निक से खाना बनाना सिखाता है और वहीं गाओ पॉल को अपने पुराने तरीकों से खाना बनाना सिखाता है। साथ ही वो पॉल को ये भी कहता है कि अगर तुम्हारे टेस्ट बड्स काम नहीं कर रहे तो मैं इनको वापस लाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब इसी तरह साथ रहते और उस कंपटीशन की तैयारी करते हुए इन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। अब कुछ दिनों बाद फाइनली वो दिन भी आ जाता है जहां इनके कुकिंग कंपटीशन का सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला था। अब कंपटीशन के दिन सभी कंटेस्टेंट्स अपनी अपनी डिश बनाकर जजेस के सामने पेश करते हैं, जिनमें से उनको पॉल और गाओ की डिश सबसे ज्यादा पसंद आती है और वो उन्हें कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहते हैं कि हमने आज से पहले इतनी टेस्टी डिश कभी नहीं खाई, जिसके साथ ही वो दोनों इस राउंड को भी जीत जाते हैं। अब इस कंपटीशन का तीसरा और फाइनल राउंड होता है जिसमें उन्हें एक मास्टर शेफ से कॉम्पीट करना था और वो गाओ के फादर थे। यहाँ पर पॉल गाओ को कहता है
कि इस कंपटीशन में तुम हिस्सा लेना ताकि तुम अपने फादर को दिखा सको कि तुम उनसे भी बेटर खाना बना सकते हो। लेकिन गाओ उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि तुम अपनी मॉडर्न टेक्निक से जल्दी खाना बना सकते हो, इसलिए इस कॉम्पिटिशन को तुम ही जीत कर आओ। लेकिन इस पर पॉल उसे इंसिस्ट करने लगता है और कहता है कि अगर तुम्हें अपने फादर को हराना है तो तुम्हें इस कंपटीशन को जीतना होगा, और अगर तुम उन्हें प्रूफ करके दिखाना चाहते हो तो इस कंपटीशन में तुम ही जाओ। अब यहाँ पर गाओ पॉल की बात मान जाता है और वो उस कंपटीशन के तीसरे राउंड में चला जाता है। अब यहाँ पर गाओ और उसके फादर के बीच कंपटीशन शुरू होता है। यहाँ पर उसके फादर जल्दी जल्दी खाना बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर गाओ सिर्फ चुपचाप खड़ा रहता है और अपने बचपन के बारे में सोच रहा होता है कि जब उसके फादर ने उसे छोड़ दिया था तो बाकी बच्चे उसे कितना ज्यादा बुली किया करते थे। अब उसे ऐसे देखकर गाओ के डैड उसके पास आते हैं और उसके मुंह पर पानी मारते हैं, जिसके बाद गाओ भी अपनी डिश बनाना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गाओ के फादर एक बहुत ही खूबसूरत डिश बना रहे होते हैं जिसमें एक तरफ आग लगी होती है और उस आग के अंदर से एक सुंदर सा फूल निकल रहा होता है। फिर जजेस जब उस डिश को टेस्ट करते हैं तो उन्हें वो बहुत ज्यादा पसंद आती है। इसके बाद गाओ की डिश की बारी होती है, लेकिन वो एक बहुत ही सिंपल सी नूडल बनाकर अपने डैड के पास आता है और उसे अपने डैड को दे देता है। अब ये देखकर उसके डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जब वो उसको टेस्ट करते हैं तो वो इतने ज्यादा टेस्टी होते हैं कि वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ उसे ही खाने लग जाते हैं। दरअसल यहाँ पर गाओ ने नूडल्स इसलिए बनाए थे क्योंकि इन नूडल्स की वजह से ही उसके डैड ने बचपन में उसे कहा था कि तुम तो एक सिंपल नूडल्स तक नहीं बना सकते, जिसकी वजह से उन्होंने गाओ को खुद से दूर कर दिया था। अब ये बात गाओ के डैड को समझ आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो उन नूडल्स को खाना ही नहीं छोड़ते और गाओ से कहते हैं कि तुम जीत गए, और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।